Good morning, students. Happy Navratri to all of you. Today day Tuesday, date thirteen April two thousand twenty one. Class fifth, chapter number two, friends in danger, khatri me mitra. Let's we read this chapter. Every animal is equipped with some special qualities. हर जानवर के कुछ विशेष गुण होते हैं हर किसी जानवर की special qualities होती हैं खास गुण होते हैं These qualities help him to survive in his environment. जो इनकी qualities हैं जो इनके गुण हैं जो इनकी खासियत हैं जो ये गुण उन्हें क्या करते हैं अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं जिंदा रहने में मदद करते हैं कोट ऑफ फर ऑन देअर बॉडीज कुछ जानवरों के शरीर पर क्या है है। है। एक एक फर, फर फर का कोट है. फर का कोट कोट होता है. कुछ जानवरों के शरीर पर एक फर का कोट होता है दे आर हंटेड फॉर देअर कोट और क्या उन्हें उनकी कोट के लिए जो उनकी बॉडी पे जो फर होती है जिसे हम कोट बोल सकते हैं उन उन्हें उनकी कोट के लिए क्या करते हैं उनका शिकार किया जाता है जो उनकी बॉडी पे जो लेयर होती है फर की जो लेयर होती है उसके लिए उनका शिकार किया जाता है उसके रिलेटेड ये एनिमल्स हैं फर्स्ट देखिए इट इज एन ओमनीवोरस एनिमल इट लव्स टू ईट बैरिज हनी एंड फिश यह एक सर्वहारी जानवर है क्या है ओमनी एनिमल है इट लव्स टू ईट बेरीज उसे क्या पसंद है उसे जामुन शहद और मछली खाना बहुत पसंद है ये ऐसा कौन सा एनिमल है देखो यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है कौन सा है बियर भालू नेक्स्ट देखिए इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट फॉक्स इट कैन बी सीन इन आर्टिक रीजन एक आर्टिक रीजन में देखा जाता है और एक सफेद लोमड़ी के नाम से भी जाना जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज वाइट फॉक्स एक सफेद लोम्बड़ी के नाम से जाना जाता है और एक आर्टिक क्षेत्र में दिखाई दिया जाता है इट्स फेवरेट फूड इज सील फिश वाटरफॉल एंड सी बर्ड्स इसका जो फेवरेट फूड है इसका पसंदीदा जो फूड है वो क्या है सील क्या मछली जल पक्षी समुद्र पक्षी ये सारे क्या है उसके फेवरेट फूड है ये कौन सा एनिमल है फॉक्स फॉक्स होती है? नेक्स्ट देखिए, इट कैन बी रियर्ड फॉर इट्स फर एंड मिल्क इट इज फाउंड ऑन हाई लैंड ऑफ हिमालय इट इज एन हर्बी वॉरस एनिमल इसके फर या दूध के लिए इसको पाला जाता है इसे किस लिए पाला जाता है फर या दूध के लिए इसको पाला जाता है और ये पर्वत की ऊंची भूमि पर पाया जाता है हिमालया हिमालय की क्या है सबसे ऊंची जो भूमि है वहाँ पे पाया जाता है इट इज एन हर्बी वॉरस मैमल और ये शाकाहारी स्तनधारी एनिमल है इसका क्या नेम है याक याक जो जैसे बैल होती है उसी प्रकार की फील्ड में आता है ये याक नेक्स्ट देखिए इट इज एन एप फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्ची फॉरेस्ट के नाम है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहां पे ज्यादा बारिश दिखाई दिखाई देती है जहां पे ज्यादा बारिश होती है इट लव्स टू ईट फ्रूट्स लीव्स ट्विग्स फ्लावर्स एंड इंसेक्ट एक एप है जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऐसे जंगलों में ऐसे वनों में पाया जाता है ये फल पत्ते टहनिया फूल और कीड़े खाना पसंद करते हैं क्या फल पत्ते टहनिया फूल और कीड़े खाना पसंद करते हैं इसका क्या नाम है गिबोन गिबोन क्या होता है लंगूर लंगूर को गिबोन बोलते हैं नेक्स्ट देखिए सेकंड कैट फैमिली जो बिल्ली का परिवार है ये मतलब बिल्ली के परिवार का एक मेंबर है बिल्ली के परिवार का सदस्य माना जाता है इसको एंड मेनली फाउंड इन साउथ अमेरिका और कहा पाया जाता है दक्षिण अमेरिका में इसको पाया जाता है क्या नाम है इसका जयगवार नेक्स्ट देखिए इट इज ए डार्क कलर्ड कार्निवर्स मैमल ऑटर्स टू बिलोंग टू इट्स फैमिली ये बहुत ही क्या है डार्क गहरे कलर का है बहुत ही गहरे रंग का है जो मांसाहारी स्थन पाई है मांसा कार्निवोरस कार्निवर्स क्या होता है मांसाहारी ऑटर्स भी हैं और अपने परिवार के लिए भी है बिलोंग्स तो टू इट्स फैमिली इनके परिवार से ही बिलोंग करते हैं क्या नेम है इनका मिंक ऐसे एनिमल में, मिन्क। का क्या नेम है एम आई एन के मिंक नेक्स्ट देखिए इट इज मीडियम साइज मैमल मीडियम साइज मैमल जैसे मध्यम से आकार का मतलब इसकी ऐसी जैसे एक होता है बहुत लंबा एक होता है बहुत छोटा जो बीच वाला साइज होता है उसे बोलते हैं मध्यम आकार मीडियम साइज बोलते हैं नेटिव ऑफ नॉर्थ अमेरिका और कहाँ है उत्तरी अमेरिका का एक रहने वाला निवासी है इट फीड्स ऑन इंसेक्ट वम्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स और ये कीड़े या कीड़े मकोड़े और छोटे और जानवरों को खिलाती है ये खुद खाती नहीं है ये उनको खिलाती है तो ये लिखे मैमल ये क्या नाम है इसका रकून क्या नाम है इसका रकून ये अमेरिका मांसाहारी जीव है जिसका रंग भूरे लाल रंग कलर का होता है भूरा लाल रंग का बच्चे इसको अच्छे से फिल करना थैंक यू हैव अ नाइस डे